वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग की इस फ्रेश वीडियो के अंदर। बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में और शिबा इनू कॉइन के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेकिन अगर क्रिप्टो मार्केट को हम देखें तो क्रिप्टो मार्केट यहाँ पे अच्छा नहीं है और 1.26 ट्रिलियन डॉलर पे हम फिर से आ और 1.9% पूरा ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट जो है डाउन भी यहाँ पे चल रहा है। और बिटकॉइन अगर आप देखें कल रात को ही फिसल के फिर से 29,100-29,200 पे आ गया था और $30,000 से फिर से $29,000 पे आया। और बिटकॉइन का अगर आप हाई लो देखेंगे यहाँ पे तो बिटकॉइन का जो 24 आवर का हाई लो रहा है, अगर आप करंट प्राइस देखेंगे 29,237 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है और 2.9% ये नीचे गिरा है। और 28,975 फिर से 28 का लेवल दिखाया है और 30,519 से लेके ये सीधा आया 28 के लेवल पे, अभी 29 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये सिचुएशन चल रही है बिटकॉइन की काफ़ी टाइम से, 28, 29, 30। और अगर आप देखें अब फिर से आपको जल्दी 30 के लेवल्स भी दिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केट अब जल्दी आपको और भी नीचे के लेवल दिखा सकता है, उसके लिए भी आप तैयार रहें। और अगर आप देख और यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन के चार्ट की बात करें तो लास्ट 24 आवर किस तरह का चार्ट रहा है बिटकॉइन का, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो बिटकॉइन का चार्ट अगर आप देखेंगे 30 के लेवल पर हम जो है यहाँ पर ऑलरेडी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था, ये जो सपोर्ट था अगर आप देखें 30 का लेवल बिटकॉइन को काफ़ी पसंद है। बिटकॉइन सीधा फिसला 28 पे आया, अभी 29 पे ट्रेड कर रहा है और हो सकता है आपको अभी फिर से 30 का लेवल जल्दी आपको दिखा सकता है इवनिंग तक या उससे पहले भी। लेकिन एक सिनेरियो आप ये भी लेके चलें कि मार्केट अल्टीमेटली यहाँ पे आने वाले टाइम में डाउन तो आपको जाता हुआ दिखने वाला है और काफ़ी अच्छा डिप जो है बिटकॉइन इस बार बनाने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आपको DCA करना है, हर डिप में थोड़ा थोड़ा बाय करना है, ठीक है, क्योंकि हर डिप में आपको बाय करना है तो आप फंड्स को भी अपने सेव करके रख सकते हैं। और यहाँ पे ये करंट हाल है बिटकॉइन का। इथेरियम का अगर हम हाल देखें तो इथेरियम के हाल देखेंगे तो 1985 पे आ चुका है। और अगर आप देखेंगे ये इथेरियम का प्राइस चल रहा है $2,000 से नीचे फिसला है इथेरियम भी और 2% डाउन चल रहा है। और टीथर की बात करें 0.9 के साथ 3 नंबर पे, USD कॉइन 1 डॉलर के साथ 4 नंबर पे, $325 के साथ BNB कॉइन 330 के आसपास रहा था BNB कॉइन। और काफ़ी अच्छी ग्रीनरी बनी हुई है, मार्केट नीचे जरूर गया, बिटकॉइन नीचे गया, सभी करेंसीज पे इफेक्ट पड़ा है, लेकिन BNB कॉइन पे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ग्रीनरी जो है BNB कॉइन के अंदर बनी। और XRP रिपल की बात करें तो 0.41 के साथ जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 6 नंबर पे, काफ़ी अच्छा डिप के अंदर है। बाइनेंस USD की बात करें तो 7 नंबर पे 1 डॉलर और 0.51 के साथ 3% नीचे गया है। कार्डेनो $49 पे आ चुकी है, सोलाना 4% नीचे गई है, तो $49 पे $15 से भी नीचे आ चुकी है। कल 55 के राउंड जो है सोलाना ट्रेड कर रही थी। और अगर आप यहाँ पे डॉज कॉइन को देखेंगे तो डॉज कॉइन की तो सीट फिक्स हो गई है 10 नंबर पे, ना नीचे जाना है ना ऊपर जाना है। और अगर आप देखेंगे 0.08 ये प्राइस चल रहे हैं और 1% डाउन चल रहा है डॉज कॉइन। $10 पे चल रही है पोलका डॉट, हल्की फुल्की यहाँ पे रेडनेस पोलका डॉट में, $9, $10, $11 यही पोलका डॉट के लेवल्स हैं। रैप बिटकॉइन 12 नंबर पे है, 13 पे अवलॉन्च काफ़ी अच्छी डिप के अंदर 5% फिर से नीचे गई है, कल 32-33 के लेवल पे भी अवलॉन्च पहुंचती हुई दिख रही थी। और ट्रॉन फिक्स हो चुका है 14 नंबर पे 0.077 के साथ, डाई 15 पे है, 16 पे है शिबा इनू 1185 की सीरीज चल रही है। और शिबा इनू पे क्या इम्पैक्ट पड़े हैं लास्ट 24 आवर के अंदर, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे शिबा इनू की जो प्राइस चल रही है वो 0.4x0 और 1185 की चल रही है, 17,32,000 लोगों ने इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। और 0.00011.62 का लो देखा हमने लास्ट 24 आवर में और 1284 का हाई भी दिखाया शिबा इन्होंने, तो 1284 तकरीबन 13 के करीब का यहाँ पे हाई भी दिखाया। और अगर हम शिबा इनू का चार्ट देखें तो एक बुर्ज खलीफा शिबा इनू ने 1284 का बिल्कुल बनाया, जो 11 के प्राइस चल रहे थे काफ़ी डिप के अंदर, वहाँ से एक बुर्ज खलीफा बनाया ये वाला। और इस बुर्ज खलीफा के बाद सीधा शिबा इनू आ गया नीचे, और जैसे बिटकॉइन गिरा तो शिबा इनू भी गिर गया। और 11 अभी जो सीरीज़ है 11 की सीरीज़ चल रही है,
ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 89% ट्रेडिंग यहाँ पे हो रही है। तो डिप का फ़ायदा शिबा इनू के अंदर उठाया जा रहा है और 89% यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। ये कुछ करंट हाल हैं शिबा इनू और क्रिप्टो मार्केट के। तो बात करें शिबा इनू की सबसे बड़ी अपडेट को लेके, यहाँ पे एक मेंबर यहाँ पे शिबा इनू के अंदर आते हैं और शिबा फैमिली के अंदर एक बड़ा नाम जुड़ता हुआ। अगर आप देखेंगे शिबा इनू वेलकम मार्सी जेस्ट्रो टू द शिप मेटावर्स टीम, तो शिप मेटावर्स की जो टीम है उसके अंदर एक नाम ऐड होता हुआ। और ये मार्सी जेस्ट्रो हैं कौन, इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी आर प्राउडली वेलकम मार्सी जेस्ट्रो टू द टीम, मार्सी ज्वाइन शिबा इनू मेटावर्स टीम एज इंडस्ट्री वेटरन और विद ओवर 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इनका 20 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर। एज एन अर्लियर पियोनियर इन इमर्सिव मर्सी बिल्ट एंड लेड टू इमर्सिव टीम फॉर देयर ब्रांड्स। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मर्सी को ऐड किया गया और इनका जो एक्सपीरियंस है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के वो 20 ईयर्स का है, 20 ईयर से भी ज़्यादा का है। तो यहाँ पे एक फैमिली शिबा इनू शिबा फैमिली के अंदर एक नाम जुड़ता हुआ और ये मेटावर्स की टीम में नाम जुड़ता हुआ मर्सी जेस्ट्रो का। तो नेक्स्ट बात करें तो लेबर एक्स की तरफ से यहाँ अपडेट है। लेबर एक्स ने आपको पता है काफ़ी टाइम पहले ऐड किया था अपने प्लेटफॉर्म पे और वी हैव वॉटेड फॉर शिप, डू यू नो वाई वी हैव डन इट, और बिकॉज शिप चिप टोकन कम्युनिटी इज़ ऑसम एंड इफ़ यू एग्री विद दिस यू नीड टू वोट। तो यहाँ पे वोट भी कर सकते हैं। और कॉइन गेको का एक ट्वीट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉइन गेको ने यहाँ पे पूछा है आर यू टीम डॉज कॉइन और टीम शिप टोकन। तो यहाँ पे हम भी वोट करके देखते हैं और किसको ज़्यादा वोट मिले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है डॉज कॉइन तो कहीं पीछे है शिबा इनू से, और शिबा इनू को अगर आप देखेंगे 84% यहाँ पे वोट्स मिले हैं, 84% नंबर है। अगर आप टोटल वोट देखेंगे 7800 अभी वोट आए हैं और ज़्यादा भी वोट आएंगे तो शिबा इनू का नंबर बढ़ेगा यहाँ पे, और डॉज कॉइन को सीधा सीधा 16% यहाँ पे वोट मिले हैं। और इसका अपडेट हमने आपको कल दे ही दिया था, अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। फ्रेंच फैशन हाउस बैलेंसियागा एक्सेप्ट बिटकॉइन इथेरियम एंड शिबा इनू पेमेंट इन यूनाइटेड स्टेट। जितने भी स्टोर हैं इस फैशन ब्रांड के, जो लग्जरी फ्रेंच फैशन ब्रांड है बैलेंसियागा, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है शिबा इनू को भी, बिटकॉइन को भी और इथेरियम को भी। और कल ओकेक्स ने भी कुछ पेयर्स ऐड किए थे जिसके अंदर शिबा इनू का भी पेयर था, और ये सारे वो पेयर्स जो ऐड किए गए हैं अगर आप देखेंगे यूएसडीसी के अंदर हैं, और इसके अंदर सारे पेयर्स अगर आप देखें यूएसडीसी के अंदर हैं। और लूना का पेयर है, सोलाना का है, डॉज कॉइन का है, फाइल कॉइन का है, पोलकाडॉट का है, नियर प्रोटोकॉल का है, ऐप कॉइन का है, एवेक्स का है, लॉन्च का है, एडीए कार्डानो का है, और यहाँ पे शिबा इनू का है। ये कॉइन्स हैं जिनके यूएसडीसी के अंदर पेयर ऐड किए गए हैं एफटीएक्स के ऊपर, ओकेक्स के ऊपर अगर आप देखेंगे। तो लास्ट 24 आवर के अंदर बर्निंग का नंबर अगर देखें तो यहाँ पे 602 मिलियन का नंबर निकल के आ रहा है, और बर्न रेट देखेंगे तो 1.9% इंक्रीज हुआ है। तो मिलियंस में बर्निंग हो रही है, 400, 500, 600, 3-4 दिनों से ये बर्निंग के नंबर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो शिबा इनू के बर्न पोर्टल से भी देख लेते हैं कितना नंबर बढ़ चुका है। तो बिल्कुल यहाँ पे 51 का जो शगुन है यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है शिबा इनू के बर्न पोर्टल ने, और 51 बिलियन यहाँ पे टोकन्स बर्न हो चुके हैं शिबा इनू के बर्न पोर्टल से। और आपको पता ही है लास्ट वीक कितने ज़्यादा टोकन्स बर्न हुए थे। लास्ट वीक ऐसा वीक रहा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बर्निंग हुई, दो दिन के अंदर अगर आप देखेंगे 10 बिलियन, उसके बाद यहाँ पे और बिलियंस में बर्निंग हुई, तो टोटल 22 बिलियन शिबा इनू वर बर्नड ओवर द पास्ट वीक। और इसकी वजह से ही आज 50 बिलियन से ऊपर पहुंच पाया, नहीं तो हम 30-32 पे ज़्यादा से ज़्यादा होते, और ये एक गेम चेंज रहा था कि दो दिन के अंदर इतने टोकन्स बर्न हुए नेक्स्ट वीक के अंदर जो पिछला वीक था, और यहाँ पे 22 बिलियन लास्ट वीक जो है शिबा इनू गए हैं सप्लाई से बाहर। तो करंट होल्डर्स की अगर बात करें शिबा इनू के, तो करंट होल्डर हो चुके हैं 11,67,878, तकरीबन यहाँ पे 11,70,000 का भी नंबर जो है शिबा इनू टच कर लेगा जल्दी ही। तो ये कुछ अपडेट्स थी, और यहाँ पे आपको पता है
शिबा इनू मेटावर्स की टीम के अंदर एक नया नाम जुड़ता हुआ, और इसके साथ साथ जो मेजर बर्निंग हुई लास्ट वीक और इस वीक भी कुछ ना कुछ जो है बड़ा यहाँ पे होने वाला है। तो रेडी रहें उस सरप्राइज़ के लिए भी, और डेफिनेटली कुछ अगर बड़ा अनाउंस होता है तो एक जो है हमको मूवमेंट प्राइस के अंदर एक जो सर्ज है वो शिबा इनू के, जो अभी शांति है वो थोड़ी सी शांति में, वो शांति भंग होती हुई दिख सकती है। तो ये कुछ अपडेट्स थी, आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आपके क्या व्यूज़ हैं, आपकी कोई क्वेश्चन कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आपके क्या व्यूज़ हैं इन सभी अपडेट्स को लेके। तो यही कुछ अपडेट्स थी, आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक्स हैं, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। और आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।